राजस्थान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ 55,000 शिकायतें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जो न्यूज़ हमारे पास आती हैं दोस्तों, कितनी नकारात्मक न्यूज़ आती हैं दोस्तों, ये हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के खिलाफ 55,000 शिकायतें। दोस्तों, खिलाफ लिख दिया गया, ये यहाँ पर केवल शिकायतें ही लिख देते, वही बहुत था। खिलाफ का मतलब तो बहुत आगे तक जाता है। इसका मतलब यह है कि साफ तौर से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को गलत ठहराना चाहती है ये मीडिया। आगे खबर यह है कि जयपुर से यह खबर है, राजस्थान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। राजस्थान में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए ठगी का शिकार, देख लो दोस्तों, यहाँ पर भी ठगी बता दी गई है। ठगी का शिकार हुए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सहकारिता विभाग के पोर्टल पर अब तक इनके खिलाफ 55,000 शिकायतें आ चुकी हैं। राजस्थान के सहकारिता विभाग ने 13 मल्टी स्टेट सोसाइटियों के बारे में केंद्र से जानकारी मांगी है। धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है, उसमें नवजीवन संजीवनी सर्वोदय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी शामिल है। सहकारिता विभाग ने इन्हें आश्वास्य में लाकर आवश्यक नियुक्त करने का आग्रह किया। राजस्थान में पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पिछले वर्ष आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा घोटाले को पकड़ा था। इसके बाद कुछ और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर कार्रवाई की गई थी। बाद में विभाग ने एक पोर्टल जारी कर लोगों को कहा था कि जिस भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ उनके पास शिकायतें हैं, उनके बारे में वे ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी दे सकते हैं। इन पोर्टल पर अब तक 55,000 से ज़्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। राजस्थान के सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बताया कि यह मामला निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब उनके केंद्रीय रजिस्ट्रार को भी कार्रवाई के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं। उन्होंने बताया कि हमने केंद्रीय रजिस्ट्रार को आग्रह किया है कि वह केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय से एक स्पेशल टीम गठित कर राज्य में भिजवाए, ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर आ रही निवेशकों की शिकायतों पर केंद्रीय टीम और यहाँ विभाग मिलकर कार्रवाई कर सकें। जहाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सरकार रजिस्ट्रार कार्यालय स्पेशल टीम का गठित कर राज्य सरकार में भिजवाए, ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर आ रही निवेशकों की शिकायतों पर केंद्रीय टीम और यहाँ विभाग मिलकर काम कर सके और निवेशकों की राशि सुरक्षित कर उन्हें राहत दी जा सके। उन्होंने बताया कि अब तक मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को के विरुद्ध ऑनलाइन पोर्टल पर 55,000 शिकायतें निवेशकों ने की हैं तथा लगातार शिकायतें आ रही हैं। आगे लिखा है पवन ने बताया कि इसके साथ ही 13 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानकारियां भी केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय से मांगी गई। इनमें आदर्श, अमरदीप, भविष्य, नवजीवन, सहारा, संजीवनी, अवर्थ, अवस्था, मारवाड़, श्री क्रेडिट, बाड़मेर, रूबी, अजमेर, सूर्योदय, जालौर एवं साई कृपा, जैसलमेर मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी समितियां शामिल हैं। इन समितियों के खिलाफ विभाग स्तर से प्राप्त शिकायतों को पहले पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भेजा जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय से इन समितियों के पदाधिकारियों के नाम, पते, बैंक खाते, समितियों की परिसंपत्तियों की जानकारी एवं अन्य आवश्यक रिकॉर्ड मांगा गया है। उन्होंने बताया कि हमने आदर्श सोसाइटी के अवसायक का कार्यालय यहाँ जयपुर में खोलने के लिए भी कहा है, ताकि पीड़ित निवेशकों के हितों की सुरक्षा कर उनको राहत दी जा सके। राजस्थान की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। सॉरी दोस्तों, ये आगे की कुछ खबर है। दोस्तों, ये जो आपको हमने न्यूज़ दी है, ये दैनिक जागरण से आई है दोस्तों, और जो न्यूज़ आपके सामने आई है उस न्यूज़ के आधार पर हमें ऐसा लगता है कि के पवन के द्वारा जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है उसमें कुछ हमें इजाफा नज़र आया है, हमें कुछ ग्रोथ नज़र आ रही है। तो दोस्तों, बहुत जल्दी आपके पैसे मिलने की कुछ अच्छी अपडेट हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त।